मेरा नाम शहजाद जलानी है और मैं स्काउट हूँ। कम ऑन फॉलो मी। हमने दोनों टीमों को बता दिया है रूल्स ऑफ गेम्स और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, फिनिश लाइन भी ये है। शाबाश, गेट गोइंग, गेट गोइंग। ये जी अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गए हैं। मुझे इस जगह की तलाश थी क्योंकि मैं जिस फॉरेस्ट एरिया से आ रहा हूँ जहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे हैं, मैं इस जगह को ढूंढने के लिए आया था जहाँ पे मेरी मुलाकात इन बच्चों से हो गई, गो कैंपिंग विद पाशा और इनके जो पाशा अंकल हैं उनसे मुलाकात हो गई, और अब मैं इनको कुछ चैलेंजेस भी देना चाह रहा था। तो वो चैलेंजेस यही थे जो जगह मैं ढूंढ रहा था। और इधर पीछे मेरे जो हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं और मैं इन बच्चों को थोड़ा सा जो है कुछ चैलेंजेस कुछ दूंगा ताकि देखेंगे इनकी हिम्मत और ये जो इनके अंदर जो बार बार कहते हैं कि हम भी स्काउट बन सकते हैं, वो फिर फैसला होगा कि ये बन सकते हैं या नहीं। लेट्स टेक द चैलेंज। ओके, ओके जहाँजेब, बस बलिया आप भी आ जाएं। अच्छा, अब आपने ये एक्टिविटीज़ कर ली। मैं एक बात बताऊं कि गर्ल्स जो है ना, उनका बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने आज इस गेम के अंदर, इस चैलेंज में, मैं ये समझता हूँ गर्ल्स ने बॉयज़ को आउट क्लास किया। तो गर्ल्स जो है वो जल्दी जो है वो क्लाइंब कर गई थी, गर्ल्स ने जो है अपना टेक्निक जो है जिस तरीके से रोप को पकड़ना है वो इन्होंने अच्छा किया था। सो फॉर गर्ल्स, बॉयज इट्स योर टर्न, स्काउट क्लैप, लेट्स गो। वेल डन गर्ल्स, वेल डन, बहुत अच्छा, एंड वेल डन कैप्टन। और कैप्टन ने बड़ा अच्छा तरीके से जो है वो टेक्निक को समझा था, और कैप्टन हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, वेरी गुड, आ जाए। अच्छा, अब एक और बात है कि हम पहुंच तो गए इस जगह पे, अब एक रास्ता राइट पे जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है, तो हम कहाँ से आए थे और हमको कहाँ जाना है, कोई बता सकता है? रास्ता भूल गए? yes. सब रास्ता भूल गए? yes. ओहो, अब क्या होगा? बस ऐसे ही चलते नहीं, ऐसे नहीं, देखें स्प्लिट आउट भी नहीं हो सकते बिकॉज उसमें तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर स्प्लिट आउट होएंगे तो अगर कोई बच्चा गुम हो गया तो, ये भी है, और अगर कौन किसको फॉलो करेगा तो देखें मैं आपको बताता हूँ। जब भी नेविगेशन पे जाते हैं ना, अभी हम लोग कहाँ गए थे, अभी हम लोग गए थे ऑब्स्टिकल्स पे जहाँ पे मैंने आप लोगों को चैलेंजेस दिए थे जिसमें गर्ल्स ने बड़ा अच्छा एक परफॉर्म किया था, है ना? यू रिमेंबर, हम लोग वहाँ से नेविगेट करते आ रहे हैं। नेविगेशन का एक असूल है स्काउटिंग में, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपको मैप्स की स्टडी करना जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको डायरेक्शन सेंस होना चाहिए, और जहाँ से आप आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक जो है लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करना होगा, सही है, कि जहाँ से आप आ रहे हैं तो उनको आपने याद रखना है कि आपकी वापसी का रास्ता क्या है। तो मैंने भी ये काम किया है, किसी को पता चला था जब हम जा रहे थे? नहीं पता चला ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या काम किया था। रास्ता तो आप भूल गए लेकिन आप अपने फ्रेंड को भी भूल गए, जो कि पाशा अंकल ने तो मुझे बताया था कि एक फ्रेंड भी है, और वो क्या है? कैडबरी चॉकी। यस, और वो है कैडबरी चॉकी, और वो ये आ गई। तो ये मैंने इसको इधर इसलिए रखा था इस डायरेक्शन में ताकि ये मुझे पता चले कि ये दो यूँ रास्ते जा रहे हैं, हमने इस डायरेक्शन में रखा तो हमको यूँ नहीं जाना, हमने स्ट्रेट जाना है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा था, और अब हमें पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है, हम सीधा जाएंगे। ठीक है, चलें आ जाएं, आप लोग मुझे फॉलो करें और आहिस्ता आहिस्ता चलें क्योंकि आगे बहुत सारे यहाँ पे दरख्त भी हैं। अच्छा,
अच्छा अब एक रास्ता यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, लेकिन हमको तो फॉलो करना है जो निशानी हमने छोड़ी है। तो अब वो निशानी जो है कहाँ पे छोड़ी थी हमने, कौन ढूंढ के बताएगा? अच्छा एक काम करते हैं, पहले जो है मलिया बताएंगी हमें, फिर आगे आप बताएं। जी मलिया, कहाँ पे हमने छोड़ी है वो? मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, जहाँ पे ये हमारी जो है ना, अरे वाह भाई, अच्छा बहुत ही, ये तो आप लोग तो बहुत ही माशाल्लाह, नेविगेशन तो आपको बड़ा अच्छा आता है। अब एक बात आप लोग सुन लें, देखें हमें देर हो रही है, हम लोग नेविगेशन पे हैं, और असूल ये होता है कि बहुत सनसेट से पहले हमें वापस अपनी जगह पे पहुंचना होता है जहां से हमने अपना कैंप छोड़ा होता है। तो पाशा अंकल भी वेट कर रहे होंगे और वो परेशान भी हो रहे होंगे कि ये कहां चले गए, खो तो नहीं गए कहीं। तो अब चलें, हम आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। हम लोग तो जी पहुँच गए अपने कैंप साइट पर, और ये कैडबरी चौकी, गो कैंपिंग विद पाशा, और ये हमारा जो है एंट्रेंस हमारी जो है कैंप साइट की, हम उस तक पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे हम लोग, कौन बताएगा? चौकी की मदद से। चौकी की मदद से, और ये चौकी ने किस तरह हमें हेल्प किया? ये हमने रास्ते में रखा था, रास्ते में रखा था। और क्यों रखा था? एक एक करके बताएं। ताकि हमें रास्ता याद रहे। अरे वाह, कैप्टन ने बिल्कुल सही बात की है भाई, कि हमें रास्ता याद रहे। तो अभी हम चलें, क्योंकि पाशा अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारी हमने और एक्टिविटीज करनी है, तो चलें आ जाएं जी, आ जाएं। तो वी आर बैक। जी पाशा साहब, आप क्या दिखा रहे हैं हमें? अच्छा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटी सी स्काउट शॉप हमने बनाई है। इस स्काउट शॉप का जो मकसद है वो ये है कि हम जो ये बच्चे हैं इनको हम ये दिखा सकें कि स्काउटिंग के अंदर कितनी जो है लाइव होती है, कितनी लाइवलीनेस है, कितना इसमें एक इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि स्काउटिंग में जब तक इंसेंटिव नहीं होगा तो स्काउटिंग एक ड्राई हो जाती है। 100th birthday हम सेलिब्रेट कर रहे थे स्काउट्स की, तो मैं जब लंदन गया था वहाँ पे 30,000 स्काउट्स जो है वो आए थे डिफरेंट कंट्रीज से, तो मैंने वहाँ बड़े दोस्त बनाए। और वहाँ पे दोस्त किस तरह बनता है, आप जाते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, आप बताते हैं, आप पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, कोई अगर आपको कहता है आई एम फ्रॉम टर्की तो वो आपको ये फ्लैग दे देता है। आप देख रहे हैं कैसे डार्क होने लग गया है, हाँ आप लोगों को भी नज़र आ रहा है ना, इट्स बिकम डार्क, तो आई थिंक मस्कीटोज भी आना शुरू हो गए। आई थिंक आप लोग सब के अंकल से मिलें, इतने में ये सेटअप हम कैंप पर कर लेते हैं, जस्ट बाय द टेंट्स, और कुछ लाइट्स वाइट्स का भी बंदोबस्त करते हैं। ओके आप लोग जाए के अंकल से मिलें।